अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके तावन का बेहद मशहूर हूं और बहुत ज़्यादा खुश हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ तावन किया। मैंने आपको कहा था जी 50 लाइक्स का, आपने 50 से ज़्यादा कर दिए। बहुत 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 मेहरबानी मेरे जिस भाई ने मुझे सपोर्ट की, मेरी बात मानी और वीडियो को लाइक किया, तो उस भाई का बहुत 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 शुक्रिया। आपने 50 लाइक्स कर दिए हैं तो इंशाल्लाह 60 भी कर देंगे। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है इन्फिनिक्स का हार्ट 8 हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ 64 GB मेमोरी, 4 GB रैम के साथ। आज हम करने जा रहे हैं इसका पबजी रिव्यू। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई जी बहुत ही कम रेंज में हमें पबजी खेलनी है और पबजी भी आला क्वालिटी की खेलनी है। ठीक है, तो हीलियो G70 का प्रोसेसर स्पेशली पबजी वालों के लिए है, पबजी दोस्तों के लिए है जो पबजी खेलना चाहते हैं। बड़ा डिस्प्ले, बड़ी LCD और अगर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो फिर तो क्या ही बात है इस मोबाइल की। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बढ़ते हैं जी इसके कुछ मेन फीचर की तरफ। मैंने कल आपको कहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं ये वीडियो लेके आ गया। 4/64 वाला वेरिएंट है हीलियो G70। ठीक है, इसके बाद जो इसकी बैटरी है वो आपको देखने को मिलती है जी 5200 mAh की बैटरी। 6.7 इंच का डिस्प्ले है इसका। फ्रंट कैमरा जो इसका है वो आपको देखने को मिलता है 8 MP का। बैक कैमरा इसका देखने को मिलता है आपको 16 MP का। और बढ़ते हैं जी अब हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सेट को निकालते हैं जी। अंदर से सेट ने बहुत सारे कर लिए रेस्ट। ठीक है, तो ये रहा जी हमारा शहजादा। इसको निकाल देते हैं जी बाहर। हमने इसके अंदर जो गेम है वो डाउनलोड कर ली, उसके कोई 2-3 मैप भी डाउनलोड कर लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है FPS मास्टर, उसकी भी साथ में टेस्टिंग हो जाएगी भी कितने FPS ये हमें दे रहा है। ठीक है, अगर आप ख़ुद से अगर ये चीज़ नोट करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप देख लें। अब ये यहाँ पे 60 FPS शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग पबजी की गेम रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप आइंदा किस वीडियो का गेम रिव्यू देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं इंट्रो नहीं दे रहा, कि मैं टेक्निकल तमाम वगैरह अपना नाम भी नहीं बता रहा आप लोगों को। उसकी जो मेन वजह है आप सोच रहे होंगे कि वो वजह क्या होगी। उसकी मेन वजह यह है कि हमने अपना जो चैनल है इसका नाम चेंज करना है। पहले टेक्निकल तमाम है, हमने उसको चेंज करना है। मैंने अपनी कम्युनिटी टाइप के अंदर उसकी जो पोस्ट है वो लगाई हुई है। आप दोस्त वहाँ जाके मुझे वोट करें, मुझे बता दें कि आपको कौन सा नाम ज़्यादा पसंद है। 7 दिन का टाइम था जिसमें से 3 दिन हो गया, बकाया 4 दिन बचे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस वोटिंग में हिस्सा ले लें और अपनी राय का इजहार करें कि इस चैनल का जो अगला नाम होगा वो क्या हो, क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, ताकि बहुत जल्दी हम उस नाम को पिक करके इसका नाम चेंज कर दें और आइंदा जो हमारी वीडियो होगी हम उसके अंदर बताएंगे कि मैं हूं अहमद और आप कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली 1-2 वीडियो में मैं किसी किस्म का कोई नाम नहीं बता रहा और ना ही आपको बता रहा हूं कि चैनल कौन सा है। ठीक है, ये जी यहाँ पर टेक्निकल दमाद की जो ID है वो ओपन हो चुकी है। अभी हमने गेम स्टार्ट नहीं की और जो इसके FPS आ रहे हैं अगर वो आप देख पाएँ तो वो हैं जी 47-54 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्राफिक्स की तरफ। ये हमें मोड मिला है न्यू, ये दिखा दें आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा जी, चलो खैर, ग्राफिक्स चेक करते हैं। इसके ग्राफिक्स के साथ कुछ सीन ऐसा है जी, स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा देखने को मिलेगा और इसके बाद बैलेंस के साथ भी आपको अल्ट्रा देखने को मिलेगा। HD के साथ आपको हाई देखने को मिलेगा। HDR अभी तक इसके अंदर मौजूद नहीं है तो HD पे नहीं होने वाला। ठीक है, इसको हम वापसी करते हैं जी अल्ट्रा पे। इसको कर देते हैं जी कलरफुल
और यहाँ से इसको कर देते हैं जी ओके, और ये हो गया जी ओके, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम चीज़ होती है, जो दोस्त बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाईजान जैरो इसमें काम करती है या नहीं करती, तो इसके बाद चलते हैं जी हम जैरो की तरफ। जैरो दिखाते हैं आपको कि जैरो इसमें काम करता है, वर्क करता है या नहीं करता, ठीक है। पीक एंड स्कोप को मैंने कर दिया जी पीक पे, और इसको कर दिया होल्ड पे। इसके बाद मैं इसको चेक कर रहा था, ठीक है, जैरो इसकी फुल है, ये हो गई क्लोज, ये स्कोप ऑन, और ये ऑल बेस पे कर दी, ऑल ऑन पे कर दी मैंने इसको। इसके बाद दोस्तों इसके बाद खेलते हैं एक अदर टीडीएम मैच, और इस जो इसके एफपीएस है वो चेक करते हैं। ये तकरीबन 5 महीने पहले ये डिवाइस आई थी। अगर अब कोई दोस्त इसको यूज़ में लेना चाहता है, जो डब्बा पैक के जो पैसे हैं वो खर्च नहीं करता मैं इसको ऐसे ही मार्केट से परचेज करूंगा, यानी कि इस्तेमाल हुआ 16-16 हज़ार की रेंज में या फिर 15 हज़ार की रेंज में, तो उन दोस्तों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ जी स्टार्ट, ठीक है। गेम स्टार्ट हो गई, 50 FPS इस पर आ रहे हैं, ठीक है। आवाज़ की करते हैं जो ओपन, फिर लेते हैं जिसका कुछ स्वैग मज़ा। गेम स्टार्ट हुई 46 FPS, 47, ठीक है। M4 उठा लेते हैं, जो मेरे ख्याल स्पीकर है इसको बंद कर दें। ये तो बुरा हुआ यार मेरे साथ, चलो अच्छा। आप लोग ये बताना कि आप दोस्तों में सबसे अच्छी गेम किस दोस्त की है, जो बहुत जिसकी बहुत प्यारी गेम हो, ठीक है। अगर है तो कब से खेल रहे हो आप, ठीक है। यार कुछ सीन हो रहा है मेरे साथ, या तो जो मेरे साथी है ना वो बोट है, या फिर कोई और सीन है। वह क्या सीन है भैया, यार अगर ये बोट होते ना अपने घर में ना ठहरते आगे वाले, मेरे साथ ही बोट है शायद। दोस्तों गेम स्टार्ट है, गेम खेल रहे हैं, और ये आपके सामने 47 FPS आ रहे हैं, 46 FPS, 47, 46, ठीक है। तो इसके बाद है कोई माहौल आगे आने का, जो भाई कहाँ चले गए हो, यार जो ऊपर लेटता है ना आके। अगर आप दोस्तों में से कोई ऐसा इंसान है ना जो ऊपर लेट जाता है, तो वो मुझे बताइएगा भी ऐसा कौन सा इंसान है जो लेट जाता है, जिसको बार बार लेटने की ना आदत है।
33 सिंगल पे हो गई थी, सिंगल पे होने के बावजूद भी हम मर गए तो कोई बात नहीं है। दोस्तों अगर आप TDM पे अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सामने 50 FPS दोस्तों अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको अरीना में इस्तेमाल करते हैं, TDM खेलते हैं, तो आपको FPS देता है वो आपको मिलते हैं 47, 48, 53, 52 या जो मेरे पास MS शो हो रहे थे वो हो रहे थे 60 से लेके 80 के दरमियान में। ठीक है, अभी आ रहे हैं जी, मैं आपको डाउनलोडिंग पे लगाया है तो 52 FPS आ रहे हैं, 49। दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटी सी कोशिश थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप मज़ीद कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर PUBG टेस्ट की देखना चाहते हैं वो बताइएगा, टेक न्यूज़ के हवाले से कोई न्यूज़ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइएगा। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।